नमस्कार, देशित न्यूज में आपका स्वागत है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के 13 साल पूरे हो रहे हैं। इसने दुनिया भर में क्रिकेट, क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा असर डाला है। अब ज्यादातर देश इसके हिसाब से अपना क्रिकेट कैलेंडर तैयार करते हैं। कई देशों के खिलाड़ियों ने तो खुलकर कहा कि अगर उनकी नेशनल टीम के मैचों की तारीखें IPL शेड्यूल से टकराएंगी तो वे IPL को ही प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद के मुताबिक IPL का सबसे ज्यादा असर भारतीय क्रिकेट, यहाँ के क्रिकेटर्स और यही के बोर्ड यानी BCCI पर पड़ा है, वो भी पॉजिटिव। IPL से इनके प्रदर्शन, कमाई और रुतबे में कई गुना इजाफा हुआ है। तो चलिए आज इसका हिसाब लगाते हैं कि दुनिया की इस सबसे बड़ी क्रिकेट लीग ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर को 13 साल में कितना बदल दिया। IPL से पहले भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट मिलाकर 38% मैच ही जीत पाई थी। इसके पहले सीजन यानी 2008 के बाद से भारत की मैच जीतने की दर 22% बढ़ गई है। तब से अब तक भारत ने 60% मैच जीते हैं। IPL में दुनिया भर के लगभग तमाम दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को करीब 2 महीने तक उन्हें अच्छे से जानने समझने का मौका मिलता है। देश के युवा खिलाड़ियों के लिए यह खास तौर पर फायदेमंद होता है। उन्हें इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत से पहले ही इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, तो विपक्षी टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ियों का सामना करने से घबराते नहीं। इसके साथ ही भारतीय थिंक टैंक को इंटरनेशनल सीरीज या टूर्नामेंट में विपक्षी टीम के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने में भी मदद मिलती है। IPL की शुरुआत से पहले भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड था, लेकिन इस लीग ने BCCI और दुनिया के अन्य सभी बोर्ड के बीच का अंतर कई गुना बढ़ा दिया। आज भारतीय बोर्ड की 67% आमदनी IPL से होती है। BCCI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि 2019-20 में उसे कुल 3,730 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सिर्फ IPL से हुई है। IPL के जरिए बोर्ड की कमाई बढ़ी तो BCCI नेशनल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों की फीस भी करीब 12 गुना तक बढ़ा दी है। 2007 में टॉप लेवल का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों को सालाना 60 लाख रुपए मिलते थे, अब यह राशि 7 करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारा चैनल देशित न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।